लेकर और आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। मैं आपका प्रेरणा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं इस इलाके में आपको लाया हूँ। ये इलाका वो है जहाँ आदिवासी भाई बहुत ज्यादा है, और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, ये टीएसपी का इलाका नहीं है। टीएसपी के इलाके को हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर का अरे सितर 200 दे दो, एक सितर 200 दे दो। 70% आदिवासी है, कैटिंग के मास प्रोडक्ट है, वो भाई जो हमारे आदिवासी भाई है उनको नौकरियों में जो लाभ मिल रहा है वो लोग आदिवासी ले रहा है वो ज्योग्राफिकल डिविजन के कारण टीएसपी इलाके में नहीं आ रहा है। चाहे आदिवासी यहाँ हमारे रास्ता बनता हो, चाहे आदिवासी बनता हो, चाहे आदिवासी नाथवारा का हो, माननीय मैं आपको अधिक मांग नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे सब साथ ही जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जब भी आते हैं कुछ न कुछ देते हैं। अब मैं कुछ मांग करूंगा वो भी ठीक नहीं लगेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इलाके में कुछ गाँव ऐसे है जो पंचायत मुख्यालय से दूर है, वो आठवीं क्लास है, कुछ चीकलवास का गांव है, कोई ताकमतौड़ा का गांव है, कोई तकड़ा का पूरा गांव है, वहां के बच्चे अपने पंचायत मुख्यालय से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पढ़ने के लिए आते हैं। जब आपने पंचायत मुख्यालय में 12वीं स्कूल कर ही दी है तो मैं चाहता हूँ कि पंचायत मुख्यालय के अलावा जो 2-3 किलोमीटर उस पंचायत मुख्यालय के दूसरे गांव है वहाँ 8वीं स्कूल है, वहाँ भी 10वीं स्कूल आप कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और आगे बढ़ने का काम कर सकेंगे। मैं आपका प्रेरणा करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं इस इलाके में आपको लाया हूँ। ये इलाका वो है जहाँ आदिवासी भाई बहुत ज्यादा है, और मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, ये टीएसपी का इलाका नहीं है। टीएसपी के इलाके को हमने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर का अरे सितर 200 दे दो, एक सितर 200 दे दो। 70% आदिवासी है, कैटिंग के मास प्रोडक्ट है, वो भाई जो हमारे आदिवासी भाई है उनको नौकरियों में जो लाभ मिल रहा है वो लोग आदिवासी ले रहा है वो ज्योग्राफिकल डिविजन के कारण टीएसपी इलाके में नहीं आ रहा है। चाहे आदिवासी यहाँ हमारे रास्ता बनता हो, चाहे आदिवासी बनता हो, चाहे आदिवासी नाथवारा का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको स्मरण होगा जब आप पहले मुख्यमंत्री थे तब हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थी। मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे नाथवारा क्षेत्र में 250 के करीब राजीव गांधी पाठशालाएं खुली, और मैं जब 10 साल बाद चुनाव करने के लिए आया तो मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आदिवासी का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। कोई बच्चा सब नवोदय विद्यालय में 90% लेके आ रहा है, कोई बीएससी बीएड करके आ रहा है, कोई एमए करके आ रहा है, पर जो नौकरी की व्यवस्था है जिसमें टीएसपी इलाके में आदिवासी नहीं होने से इनको नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है और इनको कंपटीशन करना पड़ रहा है उन आदिवासी भाइयों से जो ऑलरेडी एडवांस है, चाहे सवाई माधोपुर में रहते हो, चाहे करौली में रहते हो, इनका कॉम्पिटिशन होना चाहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के आदिवासी से। इनको जब तक नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम पढ़ाने की कितनी भी कल्पना करें उसका लाभ आदिवासी इलाके में नहीं मिलेगा। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, नियम और कानून में परिवर्तन करना है तो करना पड़ेगा, और नियम और कानून में परिवर्तन करने करके हमारे जो नाथवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी है, जो कुंभलगढ़ के आदिवासी है, जो राजसमंद के आदिवासी है, जो मौली के आदिवासी है, जो बल्लभ नगर के आदिवासी है, उन बच्चों को भी नौकरी कैसे मिले इसके लिए नियम और कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और ये संभव हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी डिस्ट्रिक्ट को आधार बनाए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी सिलेक्शन होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कंसेंट्रेशन है भील भाइयों का वो कंसेंट्रेशन सवाई मित्र में नहीं है, करौली में नहीं है, तो प्राथमिकता के आधार पर ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदमी वेलनेस सेंटर में आवे और तकलीफ में हो, कमजोर हो, तो वेलनेस सेंटर का लाभ नहीं मिलता है। वेलनेस सेंटर का लाभ मिलता है जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, फिर आदि आए अंदर आए वहां पर तो उसको लगता है कि मुझे स्वस्थ रहना जो आवश्यक है। इसलिए आदिवासी भाइयों को नौकरी का अवसर मिलेगा, पढ़ लिख कर रोजगार बनेंगे, ये बागेरी का पानी पियेंगे जिसमें मिनरल वाटर का पानी है, तब ये स्वस्थ आदिवासी का बच्चा नौकरी करके हाकम बनेगा, हुकूमत करने का काम करेगा, तब लगेंगे कि महाराज प्रताप की भूमि में हमने आपका स्वागत किया। वो स्वागत उस दिन किया था जब रेलवे स्टेशन में आपको बुलाया था। इस 22 वर्षों को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा दो ही निवेदन है, आप मेहरबानी करके इसमें नियम और कानून में परिवर्तन करें जिससे आदिवासी भाई आगे बढ़ने का काम कर सके। और इस 27 मूर्ति को बनाने के लिए गायत्री परिवार को आप 4 हेक्टेयर की जमीन निःशुल्क दें, जिसके स्थायी रूप से पंडित श्रीराम जी के मन में जो कल्पना थी कि मैं नाथवाड़ा और आदिघाटी में भी एक स्थान बना सकूं, वो स्थान या स्थायी रूप से बन सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मैं हमारे एक नवाचार कलेक्टर साहब करें वो भी आपसे कहना चाहता हूँ। माली हालत सुधारने के लिए नाथवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमें नवाचार कर रहे कृषि का, हमने कृषि के क्षेत्र में लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेनिंग करके भेजा है, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है हमारा आदिवासी भाई कैश क्रॉप की तरफ जा रहा है।
कोई आज फल सब्जी हो रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, अपनी माल्या छुटाने का काम कर रहा है। आपने हमारे जिले में दुग्ध समिति बनाने का निर्णय किया है। हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जो लोग के पास गाय और भैंस है वो क्रॉस ब्रीड की गाय भैंस लावे, उनके दो पैसे की आमदनी ज्यादा हो सके। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों की माली हालत सुधरे, और माली हालत तभी सुधरेगी जब लोगों के हाथ में दो पैसा है। माली हालत तभी सुधरेगी जब उसका बच्चा पढ़ा लिखा हो, होशियार हो। मैं आशा करता हूँ आपकी ये स्मृति हम सबको याद रहेगी, और आपकी और डॉक्टर चिन्मय जी की उपस्थिति में मेरे इलाके के लोग आगे बढ़ेंगे, उनके परिवार में खुशी आएगी, उनका बच्चा पढ़ लिखकर हाकम बनेगा, हुकूमत बनेगा, हुकूमत करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निर्वहन करेगा। इन्हीं सब शर्तों के साथ मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों को तो मालूम है आपका और मेरा संबंध बहुत लंबा संबंध है, और मैं प्रसन्नता है मेरे लंबे संबंध का लाभ मेरे इलाके में आपकी कलम से मिल रहा है। इसलिए आपकी कलम में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, आपकी कलम में कुछ भी होता रहता हो याद रख सके। तो माननीय अशोक जी गहलोत जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब इस इलाके के परिवर्तन करने के लिए जो कुछ भी काम बाकी था वो सब काम तय किया है। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका आभार, माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का बहुत बहुत आभार, और हमारे जिले के इंचार्ज माननीय उदयला जी का बहुत बहुत आभार कि समय निकालकर आपके बीच में आए। जितनी माते बहने भाई बैठे हैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार। अंत में एक ही बात कहूंगा, सरकार का काम अशोक जी से करवा देंगे, और आपके गरीबा घर को आगे बढ़ाने का काम हम नहीं कर सकते हैं। इस रेलवे सेंटर की उद्घाटन के अवसर पर एक ही संकल्प लेके जाए, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे, और बच्चे बच्ची को जब तक 10वीं क्लास तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। यही काम हमने सबने कर दिया तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। मैं एक बार सुनो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद परम श्रद्धे डॉक्टर सी पी जोशी साहब। तो मित्रों, ये थे हमारे स्थानीय विधानसभा आमंत्रित कर रहा हूँ श्री उदयलाल का। हर वीडियो लाइव हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे मुख्य अतिथि किस प्रकार के और कैसे हम जो राजसमंद में हो, चाहे चित्तौड़ में हो, चाहे और कोई क्षेत्र में हो, जो बिखरी आजादी है, आबादी है ट्राइबल लोगों की, आदिवासियों की, उनको कैसे सुविधाएं मिले खेत पेरे की तरह, ये हम लोग तय करेंगे। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं, ये मैं आपको इस मौके पर विस्तार दिलाना चाहता हूँ। बाकी जो पीएचडी सीएचडी नहीं बन रहे हैं, पंचकर्मा का जो है जो तुम हमने आयुर्वेद के विश्वविद्यालय बनाया था 20 साल पहले, बहुत ही अच्छे बन गया वो, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा वहाँ पर पंचकर्मा के लिए। यहाँ पंचकर्मा होगा आपके केरल की तरह। तो इस मौके पर मैं आपको तय कहना चाहूँगा, आप निश्चित रहें ये वेलनेस सेंटर को मामूल नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं, मैं आपको बताऊँ इस वेलनेस सेंटर में क्या क्या होगा।